एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर व्लॉग्स, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपनी आंटी के घर, क्योंकि मामा की छोटी सी फरमाइश पे आंटी ने बनाए हैं कढ़ी चावल, तो अब हम उनके घर जा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब रेडी हो रहे हैं? मैं रेडी हो गई हूँ वैसे। इसलिए मैंने सोचा चलो पहले व्लॉग बना लेते हैं। आज काफी लेट हो गया, काम का बर्डन इतना ज्यादा है हमारे ऊपर। अच्छा, अभी हम वहाँ भी बहुत लेट हो गए हैं, तो आंटी ने तो कहा था कि 2 बजे तक आ जाना आप, तो टाइम देखें अभी काफी ज्यादा हो गया, 2:45 होने वाले हैं। हाँ जी, 2:45 होने वाले हैं, तो अभी हमें जाना है वहाँ पर, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी कढ़ी चावल। और आप सबने कमेंट में लाजमी बताना किस किस को कढ़ी चावल पसंद है। वैसे सैम को तो बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, भूख भी नहीं लग रही। मुझे अच्छे लगते हैं वैसे कढ़ी चावल, आप सबने बताना किस किस को पसंद है। ये पता नहीं करने के आ रही हैं फिर वहाँ पे। बात तो सही है। ये बस आंटी के साथ टाइम स्पेंड करने जा रही हैं और चाय पीने जा रही हैं। कर लो बात, चाय पीने जा रही हैं। चाय चाय वो तुम्हें पिलाए ना। वो पिलाते हैं हमारे घर सूरज। और ये पीछे हनी सो रहा है। हनी, मैं अंदर आई हूँ ना रेडी होने के लिए, तो साथ ही वहाँ बाहर सो रहा था पहले चारपाई पे, मैं अंदर आई हूँ, साथ ही मुझे देख के मेरे पीछे पीछे आ। अच्छा, मामा अभी तक ऐसी बैठी हुई हैं। और मामा बैठी हैं अभी तक ऐसे ही, और वैसे हमें कह रही थी बहुत लेट हो गया है, जल्दी कर लो, जल्दी नमाज पढ़ लो और फिर चले। आज नमाज भी बड़ी लेट हो गई है इस काम के चक्कर में ना, इतना हैवी हमारा काम है ना। मैं तो अभी मुँह हाथ धो के आई हूँ बिल्कुल अभी अभी। ये जो कमीज खड़ी है ना, ये वाली, ये हमने अभी भी कंप्लीट की है और हम साथ ही निकल रहे हैं। हमें इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम अपने कपड़े चेंज कर लें। और ये सो रहा है मेरा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्यूटी सा प्रूटूस, नहीं प्रीटी, पता नहीं क्यों मैं कह देती हूँ, हैंडसम सा बेबी। ये सो रहा था, अभी उठ गया। हनी 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 बात सुनो, हनी इतना ये बदतमीज है ना। अभी मैंने ना इसको जेली फूड खिलाई है, तो जेली फूड खा के ना इतना पागलों की तरह मुझसे बार बार घूम घूम के मेरे पास आया। मैं काम कर रही हूँ और मुझे बार बार तंग कर रहा है आगे, मतलब खा पी के। मैंने कहा तुम इतने मतलब ही हो ना कि खाने के सामने तुम ना बस, तुम कहते हो खाना देती रही है मुझे और मैं इससे प्यार करता रहूँ। वैसे इसको मैं बुलाती रहूंगी, हनी मेरी बात सुनो, हनी मेरी बात सुनो, मजा ले जो ये आ जाए मेरे पास, इतना ये बदतमीज है। बात तो सही है। मैंने कहा तुम मतलब ही बेटे हो मेरे, नहीं वैसे प्यार भी करता है मेरा बच्चा, वैसे भी बड़ा प्यार करता है, हसद भी बहुत करता है। मैं किसी से प्यार करूँ तो खूबसूरत को भी प्यार करूँ ना मैं, ये वो भी बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि खूबसूरत इसकी फेवरेट है, इसकी दोस्त है पक्की वाली। अच्छा है ना हनी, इधर देखो हनी, आइस को लो, थोड़ी थोड़ी नहीं ना हनी, ये देखो प्रीटी। ओ फिर प्रीटी कह दिया मैंने, सॉरी हैंडसम बेबी। तो अभी हम जा रहे हैं आंटी के घर, निकलने लगे हैं मतलब हम, तो उसके बाद अभी यह घर नहीं है, उसने वैसे भी मना किया था, यानी आंटी के घर ज्यादा दूर नहीं है ना, कि नेक्स्ट दो गलियां छोड़, हाँ 2 गलियां छोड़ के उससे अगली गली में है। नहीं रुको, जरा सबर करो, 1 गली छोड़ के उसकी अगली गली में है पागल लड़की। यानी 3री गली में घर आई है, इस गली में हमारा है, 2री है खाली है और 3री में उनका घर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो अभी हमने वैसे भी मना किया था, वो तो वैसे कड़ी चावल वो भी नहीं खाती, बस हमारे घर में ना अगर किसी को शौक है तो वो मामा को और मुझे है, बकाया कोई भी नहीं खाता। पापा भी बहुत डांटते हैं अगर कभी घर में भी बना लेना हम, तो पापा कहते हैं यही सौगात रह गई थी बनाने के लिए। ऐसे तो ले आओ, चलो मुझे भी लगा दो परसों। इधर से भी लगा दो ना, इफ्रा का परफ्यूम है ये, लेकिन हम तो लेकर नहीं आते वैसे, इसका है ये, तो हम इसी का लगाते रहते हैं। पागल लड़की ये वाला परफ्यूम, अगर किसी ने यूज किया तो बताएं किसको अच्छा लगता है। हमारी मामा ना घर से बाहर निकल के यहाँ की झाड़ू लगाती हैं, अभी कह रही हैं मैं रात को झाड़ू लगा के जाऊंगी यहाँ की। ये हमारी पहले मोटर होती थी यहाँ, ये जो पाइप है, फिर हमने उतरवा दी, सरकारी पानी आता है हमारा। 2 बजे की दावत थी और हम 3 बजे आए हैं। हम आए हैं यहाँ और ऑलरेडी दस्तरखान लगा हुआ है, हमें इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि हम टाइम के टाइम आए हैं। ऐसे तो ले आओ, मामा ने उठाया है लंबा चावल। शाबाश बेटा। अरे भैया ये तो धुंधला,
ये छोटी बहन ने बड़ी बहन को मारा है। इस बाहर का हिजाब चेक करें। ओह माय गॉड वाओ। फाइनली मैंने हिजाब करना ही ऐसे कर लिया। अजीब बात है। मुझसे देख के एक चल जा आगे खड़ी नेट पे से भी देख सकता है बंदा कुछ। बात तो सही है। पर इसने कहना मेरी है इसकी छोटी बहन की है इसका। हां मैं हटाओ। ये है हमारी कड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह के। और ये है हमारे चावल। अब मामा उस बाहर को तो बहुत ज्यादा पसंद है। इन्होंने इनकी पूरी जो होती है क्या होती है इनका पूरा पतीला खत्म करके जाना कड़ी का। कह रही है इंशाल्लाह। और मामा के लिए रोटी भी बनाई गई है क्योंकि मामा चावल नहीं खाते। और मेरे लिए ओके इसमें चावल और इस बाहर के लिए नमक भी आया क्योंकि इस बाहर पागल है तेज नमक खाती है। आंटी ने निकाली है मलाई अलग। और ये देखे मैंने कहा था ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जाएं खाने पे और हमें चाय ना मिले। तो चाय रेडी है हमारी और इस बात के मुंह पे चपेट पड़नी चाहिए इस बात की। लगा रही थी बस पोडर। मेरी चाय देखी है। मैंने कहा पाउडर इतना क्यों लगा रही है तो आपकी बहन क्या जा रही है। जवाब है आपकी बहन पागल आई। चम्मच तो हटा अच्छा ठीक है। ये अंकल जूती लाए हैं अपने लिए न्यू। तो आंटी कह रही है इफरत तुम्हारे बुर्के के साथ मैच हो रही है तुम पहन के चली जाओ। शाबाश बेटा। तकरीबन इसी टाइम हम उनके घर पहुंचे थे और इसी टाइम हम अपने घर आ गए हैं। ओके बहुत बाजी थोड़ी जल्दी आ गई थी क्योंकि पीछे से काम वाले अंकल आ गए थे घर। तो फिर उनको आंटी के घर का पता था तो वो वहाँ पहुँच गए। फिर हम तो नहीं घर आने से पहले और काम आ गया था। इतना काम है हमारे सर पे चढ़ा हुआ है काम। मैडम दोबारा सो रही हैं या उठ गई हैं? चांदनी बेबी आप उठ गई हो? इसको तो जब देखो खा पी के सोती रहती है। गंदी इतना बड़ा मुंह खोलते हैं क्या? छोटा सा काका मोटा सा काका पट्टी करेगी ऐसे। ये शरारतें करती है शरारतों में मार देती है फिर खून निकल जाता है हमारा। आजकल काम का इतना ज्यादा बर्डन है कि हम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे। वीडियोस के लिए व्लॉग्स के लिए बहुत मुश्किल से हम टाइम निकालते हैं। तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाजमी वॉच किया करें। स्टार्ट से लेकर लास्ट तक कंप्लीट वॉच किया करें। दूसरों के साथ शेयर कर दिया करें। लाइक कमेंट करना ना भूला करें। जो लोग न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ओके तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा कड़ी चावल वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।